तो कहानी की शुरुआत में चूहे को दिखाया जाता है। ये चूहा जो बाकी चूहे से काफी अलग होता है, क्योंकि चूहे को जो कुक करना आता है और पढ़ना भी आता होता है। ये चूहा जो हमेशा चाहते कुक बनना चाहता है, लेकिन चूहा होने कारण ये ऐसा नहीं कर सकता। ये चूहा एक दिन एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि वेटर ने जो सूप को गिरा दिया होता है, वो सूप को जो दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें वो जो गलत चीजों को डाल रहा होता है, जिससे सूप काफी ज्यादा खराब हो जाता है। अब चूहा भाग के उस सूप के पास जाता है, जिसमें वो जो सही चीजों को डालने लग जाता है, जिससे सूप काफी अच्छा बन जाता है। चूहे को सूप बनाते हुए जो वो भी वेटर देख लेता है। तभी यहाँ पर जो मेन शेफ आ जाता है, मेन शेफ को लगता है कि ये वेटर जो है सूप को बना रहा होता है, इसलिए मेन शेफ जो वेटर को डांटने लग जाते हैं। अब तभी यहाँ पर दूसरा वेटर आता है, जो कि सूप को उठा के जो है सर्व कर देता है कस्टमर को। अब कस्टमर को ये सूप जो काफी ज्यादा पसंद आता है। अब यहाँ पर जो मेन शेफ होता है वो वेटर को दोबारा सूप बनाने के लिए कहने लग जाता है। अब वेटर चूहे की मदद मांगता है, जिसमें चूहे भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब चूहा जो उसकी हेड के अंदर छुप जाता है। अब चूहा जो उसके बालों को खींच के जो उसके हाथों को कंट्रोल कर रहा होता है, जिससे वो जो आसानी से सूप बना पा रहा होता है। अब चूहा जो दोबारा सूप बनाता है, जो कि पहले जैसा ही जो परफेक्ट होता है एकदम। अब यहाँ पर ये वेटर जो कुक बन चुका है, यानी कि चूहा भी जो अब एक कुक बन चुका है।